Hello students, welcome back. In our previous class, we have solved reference to context. That is lesson 7, the giving tree. And today we are going to answer the following questions, detailed question answers. Okay, so see the question number 1. As a little boy, how did the man play around the tree? See it properly. As a little boy, how did the man play around the tree? मतलब जब वो लड़का छोटा था, as a little boy, how did the man, तो वो जो इंसान था, वो मनुष्य था, कैसे खेला करता था? Used to play, कैसे खेला करता था? पेड़ के चारों तरफ. And the answer is, सीधा answer, as a little boy, he used to climb to the tree top, ate apples, and took a short sleep. It's said. What is the meaning of the answer? As a little boy, जब वो लड़का छोटा था, he used to climb, वो चढ़ा करता था, to the tree top, पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर, ate apples, सेब खाया करता था, एंड टू के शॉर्ट स्लीप, और एक छोटी नींद मतलब थोड़ी देर वो सोया करता था उसकी छांव में. इट्स शेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द मैन यूज द ट्रंक ऑफ द ट्री? उस मनुष्य ने उससे वृक्ष के ट्रंक को कैसे यूज़ किया, उसका इस्तेमाल कैसे किया, कैसे अपने यूज में ले आया? ओके, एंड द आंसर इज The man cut the tree's trunk to make a boat and he went to sail it. क्या किया उस मनुष्य ने? उस पेड़ के ट्रंक को काटा. क्या बनाने के लिए? To make a boat, एक नाव बनाने के लिए. And he went, वो गया, to sail it, और उसे चलाने चला गया. क्वेश्चन नंबर 3, Why did the old man go to the tree? जब वो मनुष्य बूढ़ा हो चुका था, है ना, वाई डिड द ओल्ड मैन, जब वो बूढ़ा हो चुका था, गो टू द ट्री, क्यों जाता है वो पेड़ के पास? ही वेंट टू द ट्री टू सिट एंड रेस्ट व्हेन ही बिकेम ओल्ड. जब तक वो छोटा बच्चा था, उसकी ज़रूरतें थी, वो पेड़ के पास आता था. जब उसकी ज़रूरतें जैसे जैसे पूरी होती गई, वो पेड़ के पास आना जाना बंद कर दिया. लेकिन बहुत सालों बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स स्पेंट, ओल्ड मैन गो टू द ट्री, क्यों? ही वेंट टू द ट्री, किस लिए गया? पेड़ के पास, टू सिट, बैठने के लिए, एंड रेस्ट, आराम करने के लिए. एंड दिस टाइम इट हैज नो नीड एट ऑल व्हेन ही बिकेम ओल्ड. अब वह जबकि वह बूढ़ा हो चुका था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द ट्री केप्ट ऑन हेल्पिंग द बॉय टिल इट्स ओल्ड एज. जो पेड़ था, वो उस लड़के की, जब पेड़ बूढ़ा हो गया था, मतलब पेड़ जो है बहुत ज़्यादा, जब वो इंसान बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उस पेड़ उस लड़के की मदद करता रहा, केप्ट ऑन हेल्पिंग, तब तक उसकी हेल्प करता रहा. What characteristics of the trees does this reflect? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं उस पेड़ की जो ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि उस पेड़ ने उस मनुष्य के बूढ़े होने तक उसकी मदद की? सीधा आंसर, There are many characteristics of the tree that reflected in this lesson. ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं उस पेड़ की जो ये दर्शाती हैं, दिखाती हैं इस लेसन में, इस पाठ में. क्या? एज, जैसे कि, एज ही हेल्प द बॉय, जैसे कि उस लड़के की पेड़ ने मदद की. सिंस हिज चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, उसके बचपन से उसके वृद्धावस्था तक. बाय गिविंग एवरीथिंग, वो हर चीज़, वो प्रत्येक वस्तु देकर, विच ही हैड टिल इट इज कट ऑल, उसे तब तक, उसे
जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, जब तक कि वो पेड़ पूरी तरह से कट नहीं गया तब तक वो उसकी मदद करता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ द ट्री सिमिलर टू ए पेरेंट? स्टूडेंट्स, हाउ इज़ द ट्री सिमिलर टू ए पेरेंट? हियर इज़ ए सम सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड ट्रीज। कह रहा है कि जो पेड़ होता है, जो एक वृक्ष होता है, वह कैसे माता पिता के ही समान होता है, पेड़ की तुलना माता पिता के से की गई है। एंड द आंसर इज़ द ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स। पेड़ क्या होता है? ठीक हमारे माता पिता के ही समान होता है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं। कैसे? व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग होते हैं, है ना, युवा होते हैं, युवक होते हैं, अपनी युवा अवस्था में होते हैं, वी लव टू प्ले विथ आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के साथ खेलना पसंद करते हैं। ओके, व्हेन वी ग्रो अप, और जब हम बड़े हो जाते हैं, वी लीव देम, हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं, एंड ओनली कम टू देम, और उनके पास हम तभी जाते हैं सिर्फ when we need something, जब हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है, from them, उनसे, अपने माता पिता से, और when we are in trouble, और या तो जब हम किसी मुश्किल में होते हैं। ओके, सो फॉर टुडे अप टू हियर, एंड फॉर टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस टू पैराग्राफ्स ऑफ दिस लेसन, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वेरी प्रॉपरली, एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर क्लियर कॉपी, very neat and clear. We will meet again in the next class. Okay, bye bye.